परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। मेरे दिमाग में तो याद हो जाती है और फिर वो पंक्ति पंक्ति याद नहीं रहती कहाँ है, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। परिणाम से रहित वस्तु गधे के सिंह के समान है। देखो अपन प्रयोग करके दिखाना चाहिए दादा, ये गधे का सिंह ला के यहाँ रखना चाहिए और फिर सबको बताना चाहिए कि गधे का सिंह ऐसा होता है। अरे भाई ये तो वस्तु नहीं है, इसके लिए उधार दिया है। जैसे गधे के सिंह का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है अज्ञानी के ज्ञान के बिना, है ना, ऐसे ही वो वस्तु गधे के सिंह के समान हो जाएगी यदि परिणाम से सहित नहीं मानोगी तो। ये मैंने सोनगढ़ में नए चक्र पढ़ाते हुए ये यही पंक्ति बोली थी कि वो गधे के सिंह के समान हो जाएगी। वो श्लोक छंद दूसरा था, वो था सामान्य निर्विशेषेण सामान्यम भवेद खरवसान वत। तो वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था एकदम, बहुत गुरुदेव के पास शिकायत पहुंच गई थी कि वो भी तो डॉक्टर साहब तो पर्याय के बिना द्रव्य को नहीं मानोगे तो वो गधे के सिंह के समान हो जाएगा। यही बिल्कुल यही प्रकरण था, यही बात समझा रहा था मैं। और जो बिल्कुल आचार्य का वाक्य है से संस्कृत में देखो लिखा है, संस्कृत में खर श्रृंग कल्पत्वात् मिला तुम्हारी किताब में टीका की दूसरी पंक्ति में है, खर सिंह खर माने गधा का सिंह के समान हो जाएगा। आप थे दिलीप भाई, बहुत पुरानी बात है, आपके पिताजी होंगे कि पर्याय के बिना यदि तुम द्रव्य मानोगे तो वो गधे के सिंह के समान हो जाएगा। तो भाई पर्याय को मतलब इतना महत्व तो देते हैं क्या अजय करके गुरुदेव को कहे भाई, गुरुदेव में हाजिरी होकर लग गई मेरी, गुरुदेव ने मेरे को बुलाया। खैर क्या हुआ मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, चलो अभी अपन पढ़ रहे थे ना। हाँ अजय तो हो गई, टीका तो हो गई ना, परिणाम से रहित वस्तु गधे के सिंह के समान है, माने वस्तु ही सिद्ध, यदि पर्याय नहीं मानोगे तो वस्तु ही सिद्ध नहीं हुई। मैंने कहा था कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक ये जितने भी द्रव्य हैं, हमारा आत्मा तुम्हारा आत्मा और पुद्गल कोई भी, वे किसी ना किसी पर्याय में ही दिखेंगे आपको। आप पर्याय नहीं देखना चाहो और आप द्रव्य देखना चाहो तो नहीं दिखेगा, कहीं नहीं मिलेगा क्या। अब आपको ऐसी दृष्टि का कमाल पैदा करना पड़ेगा कि वो उसमें बना रहे और हम उसे नहीं देखें और वस्तु को देख लें। इसकी ट्रेनिंग आपको वो समय सार की क्लास में मिलती है, वो बताएंगे। फिर भले ही भाषा ये कहेंगे कि है ही नहीं है ही नहीं, लेकिन वो है नहीं है, है तो मान रहे। वो कहते प्रवचन सार को पक्का याद रखना और फिर बाद में हमारी बात सुनना, उसको मैट करके नहीं कि वो पर्याय के बिना तो द्रव्य कभी होता ही नहीं और अब पर्याय के बिना द्रव्य देखो है? और द्रव्य में अपनापन कर लो, पर्याय में अपनापन नहीं करो। वो कमाल समय सार में मिलेगा है? देखो डॉक्टर कहता है मरीज से कि तुम्हें डायबिटीज है तो तुमको शुगर नहीं लेना, तो शुगर बताओ क्या है। तो ये आप लोग तो बाजार से ले आओगे, अभी आज रसोई में से निकाल के ले आओगे, ये शक्कर है चीनी है। अरे ये नहीं, ये शुगर कहाँ कहाँ है क्यों, देखिए संतरे में भी शुगर है और केले में भी है। मैंने कितने शुगर कहाँ कहाँ है, ऐसे पर्याय कहाँ कहाँ है बोलो, कि हर द्रव्य कोई द्रव्य पर्याय के बिना नहीं मिलेगा। अधीर और ज्यादा डॉक्टरों से पूछो तो वो कहते हैं कि बिना शुगर का कोई पदार्थ ही नहीं है। अरे क्या करे, मुझसे इधर कह रहा कि आपको घी नहीं खाना चाहिए, चिकनाई नहीं लेनी चाहिए, तो जितनी जरूरत है ना शरीर को उतनी तो आपको मिल जाती है, कैसे मिल जाएगी
जब बिल्कुल लेंगे ही नहीं, जब बिल्कुल बंद कर देंगे। अरे साहब, गेहूं में भी तेल होता है, चिकनाई होती है, फैट होता है, मक्की में भी होता है, मक्की का तो निकाल लेते हैं अमेरिका वाले, चावल, हर चीज में फैट है। वीगन में कोई खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो तुम खाते हो ना, ये सब्जी दालें सब में फैट है। फैट है माने चिकनाई है, और उतनी शरीर के लिए जितनी चाहिए उतनी वो पर्याप्त है। बेचारे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये अलग से घी तेल कहाँ खाते हैं, उनको तो जो भी जहाँ मिलता है वैसी पदार्थ मिलता है, और उसी में से वो चिकनाई भी उनमें से आती है और तुम्हें भी उसमें से ही मिलती है। वो गाय को चिकनाई खाने को कहाँ मिली, और गाय के दूध में से चिकनाई तुम्हें मिल गई। तो उसने जो वो घास खाई, उस घास में से भी चिकनाई निकली क्या नहीं निकली है? घास में भी चिकनाई है, समझ गए ना आप? ऐसे ही द्रव्य में पर्याय तुम्हें ऐसी नहीं दिखेगी। वो कहते पर्याय द्रव्य बिना पर्याय बिना होता ही नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। वो कहते जी ऐसा कहोगे तो गधे के सिंह के समान हो जाएगा। फिर अभी दूध दही का उदाहरण भी दिया है, ये मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसमें ही लिखा है सब। देखो दूध दही वाला भी पढ़ लें अपन। परिणाम के बिना वस्तु का अस्तित्व को धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। परिणाम से रहत वस्तु गधे के सिंह के समान है। उसका दिखाई देने वाले गोरस माने दूध दही घी इत्यादि के परिणामों के साथ विरोध आता है। अब ये फिर दूध दही घी का ले आए कि नहीं ले आए? आचार्य बेचारे क्या करें, नग्न दिगंबर हैं, जंगल में रहते थे, नगर में आते थे तो मौन लेके आते थे, क्षण को कुछ संयोग में रहते नहीं थे, तो वहाँ जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती थीं वो बेउदाहरण लिख दिए उनने। अब हमारा दुर्भाग्य चाहे सौभाग्य, ये सबके बीच में रहते हैं तो इतने उदाहरण मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि खत्म ही नहीं होते हैं। जहाँ से चाहे जहाँ से जितने उदाहरण उठा लो उनकी बात दो चार रही हैं बस। एक कुमार, घड़ा, मिट्टी, घटपट, रथ, बस तीन है ना। घटपट रथानी दब्बाणी गाथा है ना संसार में, घटपट रथ। ये घटपट क्या है? खटपट, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी, समझे ना। तो ये तीन मुनिराज आहार करने नगर में जाते थे तो कोई बड़ई गाड़ी बनाता हुआ दिखता था उन्हें, घड़े में पानी लाता कुमार घड़ा बनाता दिखता था, और कोरी कपड़ा बुनता दिखता था जुलाहा। और तीन ही चीजें उन्हें दिखती थी, ये यही होती हैं जगत में बनती हैं और इन्हीं के करता है। घट का करता कुमार है, पट का करता कोरी है, और तीसरा क्या था, रथ का करता बड़ई है। तो इस तरीके से घटपट रथ, तो मैं तो कहता हूँ इन्हें तो घटपट रथ के अलावा कुछ नहीं आता है। भाई एक उदाहरण, पर्वतो यम अग्निमान निम्बत्वात्, और सारा न्याय शास्त्र उसी पर टिका है। पहले दिन से पढ़ो वहां से शुरू होगा, और अंतिम दिन की पढ़ाई पढ़ोगे तब तक वो उदाहरण तुम्हारा पीछा करेगा। वो एक निश्चित उदाहरण है, बढ़िया है, उनसे वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है तब करते हैं। दसवीं गाथा हो गई अपनी, अब ग्यारहवीं गाथा अपन कल चलाएंगे ना। दसवीं गाथा हो गई थी अपनी, अब ग्यारहवीं गाथा चलानी है ना। दसवीं गाथा में कहा था कि प्रणमन के बिना पदार्थ नहीं है, और पदार्थ के बिना प्रणमन नहीं है। प्रणमन बोलते हैं कार्य को, जो भी परिवर्तन होता है वो कार्य रूप होता है, उसे कार्य कहते हैं। तो कहते हैं कि जो भी यदि प्रणमन नहीं होगा तो मतलब हर द्रव्य अब कार्य से रहे तो मतलब कुछ होगा नहीं उसमें, कुछ नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अनादि से लेके अनंत काल तक प्रति समय कुछ ना कुछ प्रणमन उसमें निरंतर होता रहता है। अपन क्या करते हैं
कि जैसा अपन परिणमन चाहते हैं वैसा हो तब हम मानते हैं कि परिणमन हुआ, और हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन नहीं हो तो हमको ऐसा लगता कि नहीं तो वैसा ही का वैसा है, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, जैसा है जैसा ही है वैसा ही है। आप समझे ना, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं हो तो हम उसे परिणमन ही नहीं मानते हैं। कि उसमें आता है मैथिली सेन गुप्त ने पंचवटी में एक पंक्ति लिखी कि यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। लक्ष्मण रात में सीता और राम आराम कर रहे हैं और वो पहरे पर बैठे हैं और वहाँ सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या में थे, राजा बनने वाले थे, सब तरह से थे, और आज हम जंगल में यहाँ पर कुटिया में बनाकर पड़े हैं, तो हमने कुछ तरक्की की कि नहीं की है? तो कहें क्या क्या तरक्की की, राजबाट खोया, सब कुछ खो दिया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन तो बहुत हुआ, हम वहाँ से यहाँ आ गए और सब कुछ बदल गया है, तो यदि परिवर्तन का नाम ही उन्नति है तो हम भी बदल रहे हैं, हो ही रहा है। फिर हमको सीधे सच्ची बात ही पसंद आती है, यही भाव मुझे अच्छे लगते हैं कि परिवर्तन तरक्की का नाम है और परिवर्तन हम में भी हो रहा हूँ। लेकिन परिवर्तन उन्नति और अवनति दो प्रकार का हो सकता है ना, और ये दोनों भी हमारे राग द्वेष के आधार से हम निर्णय करते हैं कि जो हमको अनुकूल लगे तो हम उसे उन्नति कहते हैं, और अनुकूल नहीं लगे तो उसे हम अवनति कहते हैं। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से तो वो परिवर्तन है न उन्नति और अवनति, तो ये तेरी कल्पना की बातें हैं। तो प्रणमन के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना प्रणमन नहीं होता, ये बात दसवीं गाथा में नक्की हो गई थी। अब वो कहते हैं धम्मेन परिणिदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संप्रयोग जुदो पावनि निब्बाण सुहम सुहोव जुत्तो ये सज्ञ सुहम। धर्म से परिणमित आत्मा यदि शुद्ध संप्रयोग से युक्त है, जुदो माने अलग नहीं, जुदा माने अपन हिंदी में अलग बोलते हैं ना, पर यहाँ जुदो माने इतो युत, इतो युतो माने सहित। पावधि निर्वाण सुहम तो निर्वाण सुख को प्राप्त करता है, और शुभोपयोग से युक्त हो तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। सीधी सरल गाथा है, लेकिन अब धर्म से प्रणमित आत्मा का मतलब क्या? तो एक तो यहाँ ये सब मुनि की बात चल रही है। तो वो धर्म से प्रणमित माने तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि, और यदि गृहस्थ की बात भी लें तो पांच में गुणस्थान वाले की, तो दो कषाय के अभाव रूप शुद्धि, और अवरत सम्यक दृष्टि का भी लें तो एक कषाय के अभाव रूप शुद्धि। समझ में आया क्या? नहीं, एक कषाय माने अनंतानंदी क्रोधवान मायालु, इसका नाम एक कषाय। फिर अप्रत्याखानावरण क्रोधमान मायालु, इसका नाम दूसरी कषाय, और अप्रत्याखानावरण क्रोधमान मायालु, इसका नाम तीसरी कषाय। तो ये तीन कषाय से अभाव से जो परिणति शुद्ध होती है वो छठवें गुणस्थान में होती है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये तो होना आवश्यक ही है, कौन, कि वो परिणति शुद्ध हो, उसके बिना तो चौथा पांचवा और छठवा गुणस्थान बनता ही नहीं है। अब चौथे में और पांचवे में क्या किया कि वो शुद्धोपयोग चूंकि बहुत कम होता है, इसलिए उन्होंने उसका अलग गुणस्थान नहीं बनाया, शुद्ध का अलग और शुभ का अलग, वो चौथे में ही शुभ और शुद्ध दोनों उपयोग मान लिए, ऐसे ही पांचवें में मान लिए, लेकिन छठवें गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में
अंतर्भूत में पलट जाता है। इसलिए छठवां शुभोपयोग का काल अलग गुण स्थान बनाया और शुद्धोपयोग का काल का अलग गुण स्थान बनाया। और अकेला सातवां ही नहीं, सातवें से लेकर बोलो बारहवें तक है ना। अभी मुद्दे की बात यह है कि ये जो छठवें गुण स्थान से सातवें में गया तो वो शुद्धोपयोगी होगा। अब मुनि तो छठवें गुण स्थान के नीचे कहते ही नहीं है, तो अभी ऐसे कहते जो मुनि इस तरह की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब छठवां ही गुण स्थान हो गया। सातवां पांचवां और चौथा क्यों शामिल करना ये भी मैंने बताया, और क्यों शामिल नहीं करना ये भी बताया, और अभी और बताऊंगा थोड़ा विस्तार से कि दोनों अपेक्षाएं क्यों जरूरी हैं। तो कहते धम्मेन परिण दप्पा, धर्म से परिणमित आत्मा माने धर्मात्मा। धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो स्वभाव वस्तु स्वभाव हो धम्म हो उससे की वजह से उसे धर्मात्मा नहीं कहते हैं। अग्नि स्वभाव से गर्म है तो अग्नि को धर्मात्मा नहीं कहते हैं। अथवा कोई जीव का स्वभाव ज्ञानानंद स्वभावी है, हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं इसलिए धर्मात्मा है, ऐसा नहीं है। वो तो नहीं, वो दिया भी है, वो पापी है वो भी ज्ञानानंद स्वभावी तो है ही ना। तो वो कहते हैं कि धर्म से प्रणमित, प्रणमित माने वो जो उपयोग और परिणति दो चीजें हैं ना, तो परिणति धर्म से प्रणमित माने तीन कषाय के अभाव रूप जो परिणति है वो उससे सहित, क्या समझ रहे ना। धर्म से प्रणमित आत्मा, अब वो तो कहते हैं छठवें गुण स्थान में भी है और सातवें गुण स्थान में भी है। कब? जब वो शुद्धोपयोगी हो गया तब भी वो परिणति है और छठवें में भी है। और जो वो ग्यारह स्थान अपने नजर आगे बताए हैं ना, वो कौन कौन से हैं जरा? सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरता, अनंत वियोजा कहता है ना। तो जो विरत है, जो छठवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान में जहाँ परिणति जहाँ तक एक सी है उसके हिसाब से है, वो उपयोग के हिसाब से नहीं है यहाँ। तो वो कहते हैं कि तीन कषाय के अभाव रूप जो निर्मल परिणति है असली धर्म तो वो है, और उसकी वो जगह धर्मात्मा है। अब यदि उपयोग शुद्ध हो तो मोक्ष मतलब बंध नहीं होगा। अभी मोक्ष, उस मोक्ष को तुम जरा दूर रखो, मुक्त होगा माने वो कर्म है उससे बंधेंगे नहीं, अबंध अबंध होगा, मुक्त ही है। बोलते सब मुक्त एव, मुक्त होगा नहीं मुक्त ही है माने बंध नहीं होगा। और यदि शुभोपयोग से है तो बंद होगा और शुभ बंद होगा। और उसमें जो चक्रवर्ती आदि के पद मिलेंगे, ये चक्रवर्ती इंद्र और ये बात बोली थी ना, वो धर्मेंद्र, अब उसमें से प्रश्न खड़ा किया था याद है कि जैसे आचार्य देव ने कि धर्मेंद्र तो वहाँ मिथ्या दृष्टि जाते हैं, समा दृष्टि पैदा ही नहीं होते हैं, तो उसको आप कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं वो कर्णानियों का कोई नियम बताया था, वो ऐसा होता पहले कर्म बांध लिया बाद में हुआ ऐसा 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 चला जाता है, इसलिए ऐसी बात कह दी। वैसे तो कहते ऐसी कहने की क्या जरूरत थी, जिसमें पक्की और नक्की बात थी उतना ही कहते कि चक्रवर्ती होता है और इंद्र होता है। तो कहते वो तीन लोग का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, और हम ये कहते हैं कि हमारे दिन भगवान त्रिलोक पूज्य हैं। ये त्रिलोक पूज्य बना बहुत ही हावी है, सत इंद्र नमत कर शीश धार, आपके चरणों में सो इंद्र नमस्कार करते हैं, माने सारा जगत आपसे अधिकृत है नीचा है, ये बताने के लिए भवनेन्द्र धर्मेंद्र को धर्मेंद्र जो भी क्या क्या नाम है इसमें असुरेंद्र को शामिल करना उन्हें जरूरी था।
जैसे वो तीन लोक के राजा सिद्ध हो सके, तीन लोक के अधिपति सिद्ध हो सके, और वो अपेक्षा उन्होंने इस तरह से घटित कर ली। तो जब वो इससे एक बात और सिद्ध होती है कि ऐसे बड़े पद सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। तो अब वो यदि हम छठवें गुणस्थान तक रहते हैं तो पांचवें गुणस्थान और चौथे गुणस्थान वाले जो हैं शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति वाले, फिर उनको ये पद प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उन्हें ये भी कहना है कि उनको प्राप्त होते हैं, इसलिए फिर वो वहां तक नीचे लाए। मैंने सम्यक दर्शन होते ही शुद्ध परिणति तो शुरू हो गई। अब कितनी गहरी है, दो कसाय के अभाव रूप है, तीन कसाय के अभाव रूप है, एक कसाय के अभाव रूप है, मैं तो तुमको इतना ही बोल रहा हूँ, एक दो तीन कसाय, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम समझते हो, लेकिन मैंने जो लिखा है ना इसमें, तो मैं तो ऐसा खोल खोल के लिखा कि दो कसाय माने क्या और तीन कसाय माने क्या, मतलब खोल के पूरी प्रकृतियों के नाम गिना के लिखे। क्यों? कि वो सामान्य आदमी समझता नहीं, वो दो कसाय माने क्रोध और मान, ऐसे दो समझ लेता है, एक कसाय अकेला क्रोध, तीन कसाय क्रोध मान माया, ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा, तो अब ये हो गई ना, धर्म से परिणामित जो आत्मा है यदि वो शुद्ध भाव से संयुक्त है तो निर्वाण सुखम पावती, और सुखोपयोग से युक्त है तो स्वर्ग सुख पाता है। देखो इसकी जो उत्थानिका है उसमें ही वे जो बात कहना चाहते हैं टीका में वो कह देते हैं कि अथ चारित्र परिणाम संपर्क संभवतो शुद्ध शुभ परिणाम योर उपादान हानाय फलम आलोचेति। कहते चारित्र के परिणाम के संपर्क वाला मैंने क्या, शुद्ध तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, दो कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, वो उसको बोल रहे जो चारित्र के बाद आगे संपर्क वाला, इसमें लिखा ना क्या लिखा, तात्पर्य है यहाँ चारित्र परिणाम के साथ रहने वाले ग्रहण करने योग्य शुद्ध परिणाम और त्याग करने योग्य शुभ परिणाम का फल बताया जा रहा है। माने धर्म परिणाम के साथ माने वो शुद्ध परिणति के साथ, समझे ना, धर्म परिणाम के साथ माने वो शुद्ध परिणति, कौन शुद्ध परिणति, एक कसाय दो कसाय तीन कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है उसके साथ जो ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य दो तरह के परिणाम लिए, कि ग्रहण करने योग्य तो शुद्ध जिससे मुक्ति की प्राप्ति होगी और त्याग करने योग जिससे वो चक्रवर्ती आदि पद की प्राप्ति होगी। यानी हम ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस गाथा में हम ये बताने जा रहे हैं कि वे त्यागने योग्य हैं, वे परिणाम जिनसे इंद्र बने, जिनसे चक्रवर्ती बने, वे परिणाम त्यागने योग्य हैं, ये कह रहे हैं। उन पदों को चाहना ये तो बहुत बाद की बात है। वो कहते ऐसे परिणाम हो कि जिनसे इन पदों की प्राप्ति होती है, वे परिणाम भी त्यागने योग्य हैं। जो कहते हैं प्रवचन सार का ये 12 गाथा में सब कुछ कह दिया। अब इतने इससे बड़ा और अध्यात्म क्या होगा जो अभी और कहना बाकी रह जाएगा। देखो अपन पढ़ते हैं इसकी टीका। जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने में समर्थ चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। कहते विरोधी परिणति है नहीं, और अंदर में परिणति भी शुद्ध है
और उपयोग भी शुद्ध है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब धर्म परिणत स्वभाव वाला, अब वो ही आत्मा है ना, धर्म परिणत स्वभाव वाला माने तीन कसाय के अभाव रूप परिणति वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति से युक्त होता है, तब विरोधी शक्ति सहित होने से, ये विरोधी शक्ति है कौन, शुभ परिणाम होने से अपने कार्य करने में असमर्थ है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। माने मोक्ष को प्राप्त करने का काम था अपना काम, और स्वर्ग आदि वगैरह मिल जाएंगे, ये है पराया काम माने जेल जाने का काम। देखा शब्द पढ़ो, विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ, दिलीप भाई है क्या नहीं, और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से अग्नि से कर्म किए गए घी को किसी मनुष्य पर डाल देने पर जिस प्रकार वह मनुष्य उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। अब उन्होंने ये उदाहरण लिया है कि गर्म घी खोलता हुआ, गर्म साधारण गर्म नहीं, जिसमें पूरी पकाते हैं वो नाचती है, उसके अंदर फूल जाती है, ऐसे घी को किसी आदमी पर डाल दो तो वो घी तो ठंडक पहुंचाता है, उसका नेचर ठंडक पहुंचाना है ना, तो उससे वो आदमी को ठंडक अनुभव होगी कि जलन अनुभव होगी। तो वो कहते हैं कि ये जो पुण्य, कौन सा पुण्य है जिससे चक्रवर्ती पद मिलता है और इंद्र पद मिलता है, वो धर्णेन्द्र को मैं जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ, असुरेंद्र को क्या, ये पद जिससे मिलते हैं वे दोनों भाव वो गर्म खोलते हुए घी जैसे हैं, कि स्वभाव तो ठंडा है पहुंचाने का है, स्वभाव तो ठंडक पहुंचाने का है, लेकिन वो जल उसका जलन का अनुभव होगा। अब वो चक्रवर्ती और इंद्र, इनकी उसको कितना कितना हे बता रहे, क्योंकि वे अकेला हे कहने से उन्हें संतोष नहीं होता है, क्योंकि उसकी हे बना पूरी तरह सामने वाले के गले में उतरेगी नहीं, इसलिए उन्होंने वो खोलते हुए घी की बात करी है? मतलब इतना हे लगना चाहिए। अब अपने अपने परिणामों को देखो कि हमको ये तो जाने दो, जब वो असली स्वर्ग मिलेगा इंद्र बनेंगे, और जब वो बनेंगे ये नकली इंद्र बनते हैं ये बोलियां लगा लगा करके है? इनमें कितना गलगलिया छूट छूटता है, मेरे को बहुत मुश्किल है इस वस्तु का स्वरूप बताना, चारों तरफ बताया भाण वही क्या वही है अब भी हाल में मेरा प्रयोजन खत्म होगा पंच के लड़क में, और उसके बाद तत्काल बोली होनी है, इसकी जो होना है तो उन्हें समझाना है, इतना भैया होगा जे होगा वो होगा क्या करें। ये कुछ गाथाएं हैं, वहां नागपुर में हो गई थी, आज सोए के प्रवचन में आया था ना, वो छठवीं सातवीं गाथा का कुछ प्रकरण आया था ना, ये वहां कुछ पढ़नी थी, अब तब तक अपन ने शुरू किया तब तक आया ही नहीं था, अपन रोज ही ना इंतजार करते थे हाथ में, तो ये तो आज मेरे को सुबह सुनने को मिला कि ये भी हो गया था, उसके पहले अपन नहीं पता, कल तक पता नहीं था, रोजाना कोशिश करने के बाद लगातार 20 दिन तक